यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुले उत्तर भारत के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल लुलु मॉल में बुधवार को नमाज का वीडियो वायरल होने के बाद से मचा बवाल थम नहीं रहा। लगातार तीसरे दिन मॉल प्रांगण में सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि लखनऊ के लुलु मॉल में शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के नेता आदित्य मिश्रा और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 25 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इन सभी को पुलिस लाइन भेजा है। इसके साथ ही लुलु मॉल की सुरक्षा व्यवस्था को भी और कड़ा किया गया। करनी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल की कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए जैसे ही मॉल के अंदर जाने लगे पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ता मॉल के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ दिया तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस ने मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर तैनात ADCP दक्षिणी राजेश कुमार श्रीवास्तव भारी पुलिस बल ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस बल ने सभी की घेराबंदी कर पकड़ा और बस में भरकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने भेज दिया। ADCP ने आदित्य मिश्रा समेत 20-25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं मॉल के बाहर का नजारा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।